और आज हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल में उनकी स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म लेने के लिए विंटर्स की, और मौसम वैसे ही थोड़ा कोरा कोरा सा ही। डीपीसीबीएम और ये ऊपर कटिंग कर रखी है डीपीएस जीवन। गौतम बुद्ध नगर जीवन, तो ये 128 सेक्टर का डीपीएस जीवन है, और यहाँ पे जो है डे केयर से लेके 12th क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो वो मेरे बच्चे तो यहाँ पे डे केयर से ही एडमिशन ले चुके थे। सो कल सैटरडे को जो है यहाँ पे दिवाली मेला भी था, सो हमें लग रहा था आज है संडे को, पर हो चुका वो मेला। और आज सोसाइटी में भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, रंगोली कॉम्पिटिशन हो रहा है, तंबोला खेलेंगे, और भी दो तीन चीज़ें हो रहे हैं, और अभी चल रहा है वहाँ पे, तो शाम तक चलेगा। फेस्टिव सीज़न है ना, अब एक दो हफ्ते ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने भी जो है हेयर कटिंग, अभी बाल सही हो रखे, थोड़े शाम तक होते होते नूडल बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा देखो घूमने लग गए। फिलहाल तो प्लान ये है कि इनको विंटर ड्रेस सिलवा के स्कूल की, उसके बाद जाएंगे शॉपिंग के लिए, दिवाली की शॉपिंग के लिए, बच्चों के लिए ड्रेस खरीदेंगे दिवाली के लिए। और आज है 5 नवंबर, तो शायद आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का भी वर्ल्ड कप मैच है, देखते हैं। अपना सपोर्ट तो इंडिया के लिए हमेशा। और आज भी काफ़ी लोग आए हुए हैं बच्चों के लिए ड्रेस लेने के लिए। सैमसंग फ्लिप 5 मैं यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसका कैमरा भी ठीक ठाक है, और आईफोन 13 कंपैरिजन में तो मेरे ख्याल से आईफोन 13 ज़्यादा बेटर है। और अगर लाइव वीडियो भी शूट करता हूँ मैं यूट्यूब पे, तो आईफोन 13 में ज़्यादा बेटर क्वालिटी आती है, आईफोन जो है वो जीतता है इसमें। और फ्लिप 5 में मैंने लाइव कुछ रिकॉर्डिंग करी थी यूट्यूब पे, सो वो उतना क्लैरिटी के साथ नहीं आया था, प्लस लो लाइट में भी आईफोन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आपने दे दिया अपना ड्रेस, गुड। अवन्या, आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है क्रिकेट का, कौन जीतेगा? इंडिया। वेरी गुड। सो कल वाइफ को एक जो है कीप जो है स्पेयर मिल गया था, कीप में जिससे मेहंदी लगाते हैं, सो उसने कहा कि वेस्ट होने से अच्छा है कि बच्चों और आपके हाथ में लगा देती हूँ, तो ज़बरदस्ती उसने हमारे हाथ में मेहंदी लगा दी। दिखाना आप लोग, और एक मेरा है, अपना दिखाना आप लोग। और ये हमारा आर्टिस्ट। सो ड्रेसेस तो ले लिए हमने विंटर के लिए, स्कूल का इस साइड से जो व्यू है बहुत बढ़िया है। एक तो ये घड़ी है ना, दूर दूर से नज़र आती है, 2:35 हो गए, और सामने तो हेरिटेज स्कूल खुल गया एक, शायद ये गुड़गांव में है, वसंत विहार में है ये हेरिटेज, वसंत विहार में भी एक, हाँ। और ये शायद यहाँ की फीस एक्सपेंसिव है द हेरिटेज स्कूल की। बाकी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच स्टार्ट हो गया है, और इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रही है, और रोहित शर्मा आउट हो गया था, 40 कुछ रन बनाया उसने, और करंट रन रेट जो है वो 10 का चल रहा है। मेरे ख्याल से अच्छा टारगेट देंगे साउथ अफ्रीका को चेस करने के लिए। जिनको पसंद है क्रिकेट देखना वो तो देखते रहें, एक्साइटिंग मैच और एक्साइटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, इन्जॉय। कल जो स्कूल में दिवाली मेला था उसमें शायद झूले वूले भी लगे होंगे, तो अब ये पैक कर रहे हैं कुछ सामान, वापस जा रहा है, और वीकेंड में शायद यहाँ पे मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा है सफ़ेदी वगैरह का। ये स्कूल के सामने क्या खंभा है इतना लंबा, ये किस चीज़ का है? तारे वाने तो कुछ दिख नहीं रही, कुछ टावर है क्या मोबाइल का? और ये स्कूल के पास ये फेमस जेपी हॉस्पिटल है, और ये खंभे में देख रहा हूँ यहाँ पे ये खंभे और भी हैं, एक पीछे था जो हमें दिखाया था, अभी एक खंभा ये रहा, एक खंभा आ गया, समझ नहीं आया किस पर्पज़ के लिए। सो वापस आ गए हम,
ये जो हमने नया मॉल ढूंढा था, ट्रेंड्स का स्टोर है यहाँ पे, और उसी का ग्रॉसरी का बियर है। यहाँ पे लिकर स्टोर भी खुल गया भाई, वाइन एंड बियर, पिज़्ज़ा हट भी है। तो बच्चे कह भी रहे थे हमें पिज़्ज़ा, ये अच्छा ढूंढा था हमने, 133 सेक्टर 133 पारस। सो शॉपिंग से पहले हम सोच रहे हैं थोड़ा पेट पूजा कर लें, सो पिज़्ज़ा हट में घुस गए फॉर द लव ऑफ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खाना है आपने, और क्या खाना है? जूस, कोल्ड ड्रिंक, ओके। और मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्टी चल रही है कुछ, और कल का मैच तो पाकिस्तान जीत गई थी DLS के थ्रू, और दूसरा मैच जो था ऑस्ट्रेलिया का, वो ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। और अभी जो मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, उसमें अब जो है एवरेज 90 आ गई है, पर ठीक है स्कोरिंग सही चल रही है, 1 विकेट डाउन है अभी भी। ट्रेंड स्टोर आ गए हम, सो शॉपिंग तो अभी चल रही है, और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं ना, सो वो भी शुरू हो जाते हैं कपड़े लाना कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये चाहिए। बाकी मैच में है कि एक और आउट हो गया, शुभमन गिल आउट हो गया, और अभी कोहली है, और रन रेट जो है अराउंड 7 हो गया अब, ठीक है स्कोरिंग सही चल रही है फिलहाल। और पिज़्ज़ा हट से बाहर आना पड़ेगा था हमारे को, क्योंकि जो वो बनाने का टाइम, ऑर्डर लेने का टाइम जो आधा घंटा दे रहे थे, मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी भी हुई है, और जोमेटो वगैरह का ऑर्डर ले रहे हैं शायद, वो इस चक्कर में उन्होंने कहा कि आधे घंटे बाद हम ऑर्डर लेंगे। सो हम बाहर आ गए, अब देखते हैं, पहले हमने सोचा शॉपिंग ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे पेट पूजा, अब भूख ज़्यादा लगने लगी है। और वाइफ ने तो अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा हुआ है, सो उसने खाना पानी नहीं पाया वैसे वैसे। और सोसाइटी में जो है रंगोली कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, सुबह से स्टार्ट हो गया था, बच्चों के लिए अलग से है और बड़ों के लिए अलग से। और अभी रंगोली शेयर करी है ग्रुप में जो है हमारा, अच्छी रंगोली है। पिज़्ज़ा हट पे बैठ के बच्चा एप्पल खा रहा है, चलो मैंने तो अपना पास्ता निपटा दिया, और ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मार्गरीटा चीज़ प्लेन पिज़्ज़ा, और हमने पिया है कोल्ड ड्रिंक, बची हुई अभी भी पेप्सी, और मैडम का आज अहोई माता का फास्ट है, इन प्रिंसेसेस के लिए रखा हुआ है व्रत अहोई माता वाला, बच्चों के लिए होता है ना। तो हमारी सोसाइटी के बाहर पीछे एक छोटी सी मार्केट है, उसमें कुछ बुटीक्स भी हैं और बार्बर शॉप भी है, सो वाइफ वहाँ पे उतर गई थी, उसको कुछ सूट सिलवाने हैं, सो मैं सोच रहा हूँ यहीं से मैं हेयर कटिंग करा लेता हूँ। सोसाइटी के अंदर जो बार्बर है ना, वो ज़्यादा पैसे लेता है वैसे,
ये है यहाँ पे छोटी सी शॉप। सोसाइटी के अंदर भी उन्होंने कुछ स्टोर्स लगा रखे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो लोग गए हुए हैं शॉपिंग कर रहे हैं। आज हमें शायद टाइम नहीं मिल पाएगा। सर फाइनली मैंने तो हेयर कट करा लिया है। वाइफ जो है अभी वो कपड़ों का नाप दे रही है। अभी फाइनली छोटे बाल हो गए। पर ना नोएडा का पानी ना बड़ा खारा है और जो जड़ें थी ना सफ़ेद सफ़ेद सी हो गई हैं, पर ये कुछ टाइम बाद ना वापस काले हो जाते हैं बाल थोड़े से। और फिलहाल तो इंडिया का स्कोर 258 हो रखा है और रन रेट जो 6 से नीचे चली गई है। बस स्टिल हम होपफुल कि आज का मैच भी जीत जाएंगे। तो सोसाइटी में सुबह तो रंगोली कंपटीशन चल रहा था और इस टाइम पे तंबोला कंपटीशन चल रहा है। सो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यार तंबोला कंपटीशन खेलने के लिए। बड़ी सोसाइटी ना हमारी और पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा है लोगों का। सो घर तो वापस आ गए और ऐसे ही मैं स्कोर चेक कर रहा था तो 300 रन पार हो गए हमारे, 48 ओवर्स हुए हैं अभी। और कोहली का जो है सेंचुरी वो अभी एक रन दूर है और 118 बॉल खेली है उसने। सो स्टेबल इनिंग्स है इसकी। और अब विराट कोहली आ गया है बैटिंग पे। सामने भी सारे दर्शकों के फोन स्विच ऑन हो गए, सिर्फ फोन ही नहीं कैमरा, मोबाइल्स पे देखो सबने अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है। फील्डर भी जो 30 गज के भीतर, क्या मजा आता होगा ना स्टेडियम में जब मैच देखते हैं। इतने माय गुडनेस क्या भीड़ है। आखिरी के 20 गेंदों में विराट कोहली ने 22 रन बनाए हैं यहां पे 99 पे खेलते हुए। फटाफट ये कोहली की सेंचुरी है। बैट उठा ले भाई, वेरी गुड, वेल डन वेल डन दिल्ली का बॉय। कोहली की सेंचुरी ये, एंड जड्डू सर भी हैं साथ में। और सचिन और विराट के अब इक्वल हो गए हैं वर्ल्ड कप वनडे के जो सेंचुरीज हैं 49 49। और कुछ मैचेस में देखा ये 50 सेंचुरीज भी बनाई लेगा, अपनी रिकॉर्ड तोड़ देगा सचिन का। और इससे और अच्छा क्या होगा कि एक इंडियन ही वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। और एक और स्टैट है, बर्थडे के दिन जिसने सेंचुरी बनाई है, 8 ओवर में क्या बात, विराट कोहली का नाम भी आ गया। सो विराट कोहली का आज बर्थडे भी, और क्या दिन है भाई, आज बर्थडे के दिन एक सेंचुरी मारना और देश के लिए खेल रहा है, प्राउड मोमेंट है उसके लिए। तो वी आर प्राउड ऑफ यू कोहली। और ये बॉलिंग अटैक मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए मैं भी थोड़ा सा मैच देख रहा हूँ इंडियन बॉलिंग। और 3 आउट हो गया तो, और 3.75 की कुछ अभी रन रेट चल रहा है अभी साउथ अफ्रीका का। सो ये मैच इंडिया के झोली में आ जाना चाहिए, जीतेगी इंडिया। So elegant, so beautiful, just looking like a wow. Wow, so India ने एक और जीत दर्ज कर दी है और convincingly और comfortably जीत गए। 200 प्लस रन के मार्जिन से जीते हैं वो एग्जैक्टली, मतलब अगर बोलूँ तो मैं 243 रन से जीत गए। सिर्फ 83 रन में ऑल आउट कर दिया 27.1 ओवर्स में अफ्रीका को। और ये टीम डिजर्व करती है वर्ल्ड कप जीतना, ऐसी ही टीम जो है वर्ल्ड कप जीतनी चाहिए। बाकी जो वाइफ ने व्रत रखा हुआ था अहोई अष्टमी का, जो बच्चों के लिए रखा जाता है, वो कंप्लीट हो गया है। तारा दिख गया था, कुछ जगह है जहाँ पे तारा नहीं दिख रहा है। सो होता है ऐसा। सो कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि जब करवा चौथ का वो व्रत होता है उसमें चांद नज़र नहीं आता कई बार, और कुछ कुछ जगहों के लोग कह रहे होते हैं कि हमें तो दिख गया है। सो वही फीलिंग अभी हम दूसरों के थ्रू महसूस कर रहे हैं कि कई जगह उन लोगों को तारा नहीं नज़र आ रहा है। तो एक ये पॉल्यूशन भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो है आसमान जो है साफ़ नहीं है और कई जगह तारे नज़र नहीं आ रहे। चलो आज का दिन जो है अच्छा निकला, अच्छा बीता ये संडे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।